चटोरी और मस्ती वाला नहीं, मस्ती वाला नहीं, मतलब बढ़िया बढ़िया खाना खाना आज, सिर्फ घेंट घेंट चीजा हो गया खाने देखने नू। जितने भी लोगों की वीडियोस करने का आज तक मुझे मौका मिला है ना, द बेस्ट पार्ट इज कि उनके साथ ना एक रिश्ता बन जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने हैं, ये तो अपने, ये तो मेरे अपने हैं। तो आज हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, बट जो डिशेस रहेंगी वो एकदम यूनिक रहेंगी। भाई चलिए फिर अपा, चलो भाई, सब तो पहला की खाइए, सब तो पहले अपा बियर से चलिए, बियर से इन्होंने बियर से दिखाने है ना, बिल्कुल भाई, जेडे बाहर रहते हैं ना उन्होंने दिखा दिए भाई जी, आ किप्स मार्केट हम आजकल इदा की दिखती है भाई, बैग पता नहीं क्यों आई जाता, ये नहीं पता। जो लोग लुधियाना से नहीं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे ना ये गेड़ी मार्केट है, मतलब एक तरह से यहाँ पे गेड़ी मारते हैं हम आके। मेरे केड़ी केड़ी तुसी दुकाना तो शेफ्स कट तुसी अंग्रेजी शेफ तुसी प्रियास किचन, हाँ मेरा भाई है। ये हैं जी हमारे चाय पार्टनर, इनके पास चाय पीने आते हैं हम। एंड भाजी आज कुछ खाओ यार, मेरा चीट डे है, चाह पियो पहला, चाह अपनी जड़ी हो। भाजी हमारे लिए बना रहे हैं जी, एक तो चिकन टिक्का कबाब रोल और एक काली मिर्च चिकन रोल। तो ये अंडे फेटे जाएंगे इसके अंदर, ये आ रहा है जी चिकन टिक्का, जो अंदर स्टफिंग है भाई साहब ये चेक करो यार। प्याज आ गया जी, मेयोनीज, चिली सॉस, ये कौन सी भाजी, ये तंदूरी सॉस आ गई, पुदीने वाली चटनी, अरे वाह 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 मजेदार। हाँ जी, और ये हो रहा है जी रोल, भाई साहब पहले तो साइज चेक करो, काली मिर्च चिकन की स्टफिंग तैयार हो रही है जी, काली मिर्च चिकन की स्टफिंग तैयार हो रही है, और ये आ गई जी फ्रेश क्रीम। अरे भाई साहब आज वाकई बहुत तगड़ा चीट डे होने वाला है मेरा, जितना मैंने 5-6 किलो कम किया ना वो सारा का सारा एक ही बार में गेन करूंगा। ओ वाह जी वाह, और ये आ गया सीधा रोल पे, अरे वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये काली मिर्च चिकन रोल हो गया, साथ में आ गई जी हरी चटनी, और ये हो गया जी पैक, क्या बात है जी। इधर अफगानी मोमोज की तैयारी हो रही है जी, अफगानी मोमोज बहुत ही ज्यादा रिच और बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियल बनते हैं यहाँ पे, हैवी ड्यूटी अफगानी मोमोज। और ये आ गया मक्खन के अंदर अदरक के जूलियंस और मिर्ची, साथ में नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर, और ये हमारे कुछ स्पेशल हर्ब्स हैं सर। पर इतना गल कि जेड़ा अरोमा है ना मेरे, मतलब हुण मैं थोनू पंजाबी दस रहा, मेरे अरोमा जादू ही हो गया, मतलब अफगानी है सर इसलिए लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ क्रीम। ओ भाई साहब, तड़का तैयार है और ये आ गए जी मोमोज, अरे वाह ओ वाह जी वाह, इन्होंने भाजी बेक किया हुआ है, ये अपन ग्रिल करी दिया जी, अरे वाह 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 बहुत बढ़िया जी। ये हरिया धनिया भाजी, ये तो हुण मैं लगता है पक्का ही हो गया होना ना, ये तो बिना तो बन ही नहीं गया, तो बना नहीं गया। ये आ गए जी प्लेट के अंदर, एंड ये चेक करो, ओए होए 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 अफगानी मोमोज, ये है जी सनव्यू एनक्लेव, एंड दिस इज नियर साउथ सिटी इन लुधियाना। आप अगर लुधियाना रहते हो तो आपको मालूम रहेगा कि ये किधर है। मैं क्या, मेरा चीट डे है, तो चीट डे इज इनकम्प्लीट विदाउट 1830 ना। पाजी पाजी कैसे हो, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर। तो वी हैव गौरीश पाजी, गौतम पाजी, एंड वी हैव पंखुरी जी। आज क्या खिला रहे हो? यू लुक लाइक इट्स अ संडे। नहीं नहीं भाजी, मैं तो वही खाना, तो बिना खाओ। जब मैं लुधियाना में होता हूँ ना तो मेरा चीट डे इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। दिस इज अ नेपोली नेपोली मार्गरीटा, तो सबसे पहले डबल ओ फ्लावर का डो आ गया जी, उसको फ्लैटन कर लिया है, एंड अब आ रही है द सॉस, एंड दिस इज द मैजिक पार्ट, फलाती टमेटोज एंड सम इन हाउस इंग्रेडिएंट्स, ये कुछ बहुत मैजिकल करते हैं इसके साथ, अलग ही वाइब हो जाती है इसकी।
द क्वालिटी ऑफ चीज यार, ये बहुत मजेदार फ्रेश काउ मोज़रेला चीज। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई लाइक माय पिज़्ज़ास, जस्ट द प्लेन जेन डबल ओ फ्लावर एंड देन द पलाती एंड देन द चीज एंड दिस गोज स्ट्रेट एंड स्ट्रेट इनटू द ओवन। वाह, सीधा गया जी ओवन के अंदर एंड ऑन अ वेरी हाई टेंपरेचर। लुक एट द चीज मेल्टिंग। आई विश के सब शहरों में आपको जहाँ पे भी आप देख रहे हो आपको वहाँ पे मैं डिलीवर करा सकता। ये एक एक्सपीरियंस है यार। दिस इज अमेजिंग। एंड अभी जो मैजिक इंग्रेडिएंट है ना वो आने वाला है बेजिल। इसके बिना ना मार्गरिटा इनकम्प्लीट है। एंड सम हर्ब्स, ये है पेस्टो वाला ऑलिव ऑयल, ये चेक करो यार। ओहो भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग। This is magic यार, जैसे उन्होंने कट किया ना, I could smell the aroma of cheese and the tomatoes and the basil. It's magical. This is basically a salad, a warm salad. ये बनाने का इसका इनका जो अंदाज है ना, पहले तो देखो double of flour दिया, उसका dough बनाया and एक bowl के बाहर ऐसे लगा दिया, ठीक है? अब देखो क्या होता है। एंड ये चला गया सीधा ओवन के अंदर, हल्का हल्का फूल गया है। एंड पीछे वो वाइप चेक करो यार। ओहो हो हो हो, आपका बोल जो है वो बन के तैयार है। ये देखो आउटर जो लेयर है वो देखो, इसकी लुक्स ब्यूटीफुल यार, आई कांट इवन टेल यू कि कितना सुंदर है। ये बैल्समिक ड्रेसिंग है जी, और ये आ गया आइसबर्ग। अच्छा, इसको मिक्स करके ये आ गया जी सीधा उस बोल के अंदर। वेजिटेबल वेजिटेबल, इसमें कुकुम्बर रहेगा कल्स करके, एंड सरली रहेगा, बेल पेपर रहेगा जी, जुगनी कल्स रहेगा जी, एंड चेरी टमाटर, जुगनी चटनी इसी कार रहेगा। यस यस। तो ये आ गया जी जो वेजिटेबल्स अंदर जाने वाली हैं। ये भी आपने एक बार हल्की सी कुक करी हुई है ना, वार्म की है, वार्म करी है जी। अरे वाह, चेक दिस आउट यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, जो बैल्समिक ड्रेसिंग है वो आपकी कांस्टेंट है, वो ऐसी रहेगी है ना? जी जी। वाह, इसमें एप्पल साइडर विनेगर जाएगा। अरे वाह, ऑलिव ऑयल वगैरह जी, मस्टर्ड, ये सब जाएगा, फ्रेश बेसिल, फ्रेश बेसिल आ गया जी। वाह, सो ब्यूटीफुल थिंग यार। ऊपर से डालेंगे थोड़ा बाल्समिक, ऊपर से बाल्समिक आ गया। अरे वाह वाह वाह, ये कलाकारी कर दी है ऊपर। ये है जी कॉटेज चीज हनी वॉर्म विंटर सैलेड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार, इट्स अ थिंग ऑफ आर्ट। ये मैं टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ इसका। हियर इज अ बाइट। ये जन्नत है यार। और ये है जी मेरा नया प्यार, मतलब जिससे मुझे अभी लेटेस्ट इश्क हुआ है ना, ये वो चीज़ है। दिस इज़ अ वॉर्म सैलड, बट जिस तरीके से इसको सर्व किया जाता है ना, सो यू कैन बेसिकली हैव इट एज इट इज़, जैसे स्पून में आपने एक सैलड लिया, ठीक है, या फिर आप इसको ना ऐसे साइड से एक बाइट तोड़ो, ठीक है, बाइट तोड़ी आपने, और ये आपने इधर से ये जो सामान है इधर से पिक किया, एंड ये आपने बाइट बनाई, ठीक है जी, ऊपर हल्का सा ये बेजल रखा, एंड ये बाइट बन गई आपकी, बाइट बन के तैयार। ये वेजिटेबल्स, कॉटेज चीज, डबल ओ फ्लावर, बैल्समिक, ये जो कॉम्बिनेशन है, और हर्ब्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सुपर से भी ऊपर जो होते हैं ना, जैसे वो आप फोल्ड करके खा रहे थे, फोल्ड करके नहीं खाना, मेरे को ऐसे खाना है। खाओ भाजी, इसका जो फ्लेवर है ना, वो जो ऊपर तावे पे लगता है, वो अलग ही मजा आता है उसका। ओए है, अभी देखो।
थोड़ी सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पिज्जा यहाँ। तो ये यहाँ पे कहाँ कहाँ ऊपर यहाँ पर ये अफगानी चिकन मोमोज हैं। एंड यार मेरा ना बहुत मन कर रहा था बहुत दिन से कुछ ऐसा खाने का, एंड शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ आज कि आफ्टर 15 डेज दिस इज़ माय फर्स्ट चीट डे। मतलब एक बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगी है। देखो अगर आप टूथपिक से खाना खा रहे हो ना किसी जगह पे, तो एक की जगह ना दो दो टूथपिक लगा लो तो ये गिरेगा नहीं। बढ़िया टेक्निक है भाजी। हाँ देखो हूँ डिगना नहीं, अदरक डिग गया क्योंकि लग गया नहीं सी, बट ये डिगना नहीं। वैसे तो ये है ही अच्छे, बट मुझे थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने खाया नहीं है इतने दिन से। इज अ ड्रॉप ऑफ होए चटनी, इज अ ड्रॉप ऑफ होए चटनी। ठीक है ब्यूटीफुल यार। भाजी मैं कह रहा सीगा कि जो तुम लुधियाने रहने हो ते रावत दी जिहड़ी आइसक्रीम है ते फ्रूट क्रीम है, इस तो बिना तो चीट डे कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई साहब। ये जो ये वाली जो आइसक्रीम है ना, इनकी चॉकलेट आइसक्रीम, इसका फ्लेवर थोड़ा सा बॉर्नविटा जैसा होता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लव इट। भाजी फ्रूट क्रीम का फ्लेवर किदा होता है? क्रीमर का। रावत की जो जो चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम है ना, इसके बिना आपके हर चीट डे को इनकम्प्लीट, अधूरा, आधुनिक नहीं, अधूरा माना जाएगा। So here's a taste test. बड़े दिन बाद आइसक्रीम खाई है यार। तो चीनी के भी क्रिच क्रिच होते हैं, मतलब जब आप खाते हो ना चीनी के क्रिस्टल्स भी आते हैं बीच में। पहले तो डिग दे जल्दी, बहुत प्यार पाई है। मजा आ गया, पक्की बात है, संतुष्टि होगी भाई। पाजी दो कप मिक्स फ्रूट आइसक्रीम कप ले, कोन में कोन में दो कप। जी जी जी, जब हम रावत की आइसक्रीम खा रहे थे ना तो हमें याद आया भाई है ये तो इतना हो ही नहीं सकता भाई। भाई इतने अपन बसंत दी आइसक्रीम ना खाइए, मतलब आइसक्रीम का नाम ले रहे हैं अपन, आइसक्रीम नु याद किया गया तो फिर बसंत दी आइसक्रीम कितना छड़ी जा सकती है भाई। बिल्कुल भाजी, मतलब ये तो लाहेवंद होवेगा नहीं, जरूरी की होता ना। आपने अगर आइसक्रीम का नाम भी ले दिया तो सबसे पहले आपको लुधियानवी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाजी? बसंत आइसक्रीम। बिल्कुल सही बात है भाजी। बसंत की कौन सी आइसक्रीम भाजी? ये वाली मिक्स फ्रूट भाजी। एंड एंड